इमामबाड़ा स्टेट के मुखिया और मुस्लिम स्कॉलर मियां साहब ने पुलवामा की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा किया। सरकार से पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ उसी की भाषा में कार्रवाई करने की मांग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा, पहले हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 13 लाख के 85 मोबाइल के साथ 7 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर होटल कारोबारियों के साथ आयोजित हुई बैठक। सीडीओ ने वीवीआईपी आगमन को लेकर सहयोग करने की अपील। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर गोरखपुर के सभी वर्गों के लोगों ने किया प्रदर्शन। कैंडल जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ के अमर शहीदों को कांग्रेसियों ने मोमबत्ती जलाकर अर्पित किया श्रद्धांजलि। कहा, पाकिस्तान के इस जघन कुकृत से दुखी है भारत की 130 करोड़ की जनता। सीआरपीएफ के अमर शहीद जवानों को पुलिस लाइन परिसर में 2 मिनट का मौन रखकर जवानों ने नम आंखों से दी भावभीनी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकालकर अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आजादी के बाद देश में हुआ सैनिकों का सबसे बड़ा नरसंहार। सीआरपीएफ के अमर शहीदों को नरमू ने दिया श्रद्धांजलि। कहा, अमर शहीद जवानों का बदला ले सरकार। गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं ने जिला महिला चिकित्सालय में प्रसूताओं को दिए गर्भावस्था के दौरान और बाद की सावधानी और सुरक्षा की जानकारी। लेखपाल साथी की हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने कार बहिष्कार कर दिया धरना। पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देकर पाकिस्तान का फूंका पुतला। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के विदाई समारोह में भी छाया रहा सीआरपीएफ के अमर शहीदों का बलिदान। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का पाकिस्तान पर फूटा गुस्सा, आतंकवाद और पाकिस्तान का फूंका पुतला। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आतंकवाद का फूंका पुतला। पाकिस्तान से बदला लेने की भरी हुंकार। और पुलवामा में सीआरपीएफ के अमर शहीद जवानों को नगर निगम में तैनात प्रांतीय रक्षक दल के जवानों ने दी मौन रखकर श्रद्धांजलि। कहा, पाकिस्तान को मिले कड़ा सबक, जवानों की शहादत नहीं होगी बर्बाद।